घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट फिर शुरू, सुरक्षा बलों ने चार आतंकियों को किया ढेर। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में सीज फायर खत्म करने के ऐलान के साथ ही आज सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा में चार आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। शिवसेना ने कहा निर्मला सीतारमन सबसे कमजोर रक्षा मंत्री। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन पर निशाना साधा। शिवसेना ने सामना में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान को सेना की क्षमता पर भरोसा है, लेकिन इसका नेतृत्व कमजोर है। दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार, कहा किसी के घर नहीं दे सकते ऐसे धरना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उपराज्यपाल के आवास पर धरने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए पूछा कि सीएम केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। उपराज्यपाल कार्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के करीब एक हफ्ते बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ने के कारण रविवार रात उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। महागठबंधन में दरार, अखिलेश चाहते हैं अलग लड़े कांग्रेस, कल आएंगे दिल्ली। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। पार्टी साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही देना चाहती है। इस बाबत गठबंधन के दूसरे दलों से चर्चा करने के लिए मंगलवार को अखिलेश यादव दिल्ली पहुँच रहे हैं। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स, देश भर के कारोबार पर पड़ सकता है असर। किसानों की 10 दिनों की हड़ताल खत्म होने के बाद आज से देश व्यापी ट्रांसपोर्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजलों के दाम ने जिस तरह बीते दिनों उछाल लगाई है, ट्रक चालक और मालिक उससे खफा है। यही कारण है कि यह हड़ताल बुलाई गई है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का दाम बढ़ने से भी ट्रक वाले नाराज हैं। पूर्वोत्तर में बाढ़ से 23 लोगों की मौत, असम में 4 लाख लोग प्रभावित। पूर्वोत्तर में विनाशकारी बाढ़ से पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। हालांकि क्षेत्र में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त से कुछ राज्यों में शुरू होगी मोदी केयर, यूपी बिहार अभी शामिल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम योजना आयुष्मान भारत इस साल 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसे मोदी केयर भी कहा जा रहा है, लेकिन 15 अगस्त को ये योजना सिर्फ 12 से 15 राज्यों में ही शुरू हो पाएगी। बॉक्स ऑफिस की रेस में फिर सलमान बने सुल्तान, 3 दिन में कमाई 100 करोड़ के पार। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म रेस 3 महज 3 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। हालांकि सलमान खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म का 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना आम बात है। अफगान में फिर आत्मघाती विस्फोट, 19 मरे 49 घायल। अफगानिस्तान के अशांत पूर्वी क्षेत्र में अप्रत्याशित संघर्ष विराम के बाद एक और आत्मघाती बम विस्फोट में ईद की छुट्टियां मना रहे 19 लोगों की मौत हो गई। जलालाबाद शहर में गवर्नर कार्यालय के बाहर हुए धमाके की फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले 2 दिनों में यह दूसरा हमला है।